मैं किसानों के दर्द को समझता हूं, सीएम भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री ने सैपो में किया सभा को संबोधित। सभा में दिखा हाथी का साथ। मंच पर सक्रिय दिखे बसपा विधायक जसवंत सिंह गुर्जर। सैपो धौलपुर की सिर्फ धारा पर रविवार शाम को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चुनावी सभा की। हेलीकॉप्टर से वह 5:40 पर सैपो के महादेव में पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर करौली धौलपुर भाजपा प्रत्याशी इंदु जाटव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कार्यक्रम में हाथी का साथ लोगों में चर्चा का विषय रहा। इस दौरान बसपा विधायक जसवंत गुर्जर ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों, आप मुल्क के मालिक हो, मैं किसान के दर्द को समझता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कई योजना चलाई है। कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक कर युवाओं के साथ छलावा किया गया। हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की। वहीं राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में बाड़ी के बसपा विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की सक्रियता को लेकर उन्होंने कहा कि अब विपक्ष खत्म हुआ, हाथी भी हमारे साथ है। इस दौरान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में विरोधी को जनता ने दिन में रात दिखा दी, इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी अब भाजपा को वोट दें। मुख्यमंत्री की चुनावी सभा के बीच सैपो ग्राम पंचायत के सरपंच अर्जुन कुशवाहा को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान भाजपा धौलपुर के जिलाध्यक्ष सतेंद्र पारसर, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, जिला सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, जिला मंत्री जितेंद्र तिवारी, रजनीश तिवारी, कुंकरा सरपंच व मंडल संयोजक के शर्मा, उप प्रधान दुष्यंत बघेल, धीर सिंह जादौन, विजय त्यागी, मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, केजी शर्मा, विजय सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंच का संचालन विनोद शर्मा नालंदा ने किया। सीएम शर्मा ने लिया शिव का आशीर्वाद। चुनावी सभा के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, जहां भगवान शिव के दर्शन कर आराधना की और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम, विधायक जसवंत गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा मंदिर में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इसके बाद वह कार से रूपवास के लिए रवाना हो गए। आगे संख्या और बढ़ रही है, 3-4 की आज कल और बढ़ गई है, 90 हो रहे हैं, धीरे धीरे 100 भी होंगे। लेकिन ये तो वो थे जिन्होंने नकल की थी, लेकिन अभी शोरूम वाले बाकी है ना, अभी शोरूम वाले बाकी है ना, उनको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है बताइए, उनको अंदर करना है कि नहीं करना है। अरे मैं कहता हूं आपसे, इन्होंने जो मुल्क का मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बना दिया। ये मेरे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, आप इस मेरे मुल्क के मालिक हो, आप इस देश को चलाते हो, देश का काम आप करते हो, लेकिन जिस तरह के लोग आते हैं, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, जो है उनको सबको सलाखों के बीच में डालने का काम ये सरकार करेगी। कहते थे कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी कहते थे, मैं आपसे यही कहना था, ये नरेंद्र मोदी जी का युग है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलेगा। अगर किसी ने, उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया तो वापस निकाल लूंगा। अब आप देख सकते हैं, ये कह रहे ईडी आ रही है, कोई कहता है सीबीआई आ रही है। अरे भाई आपको डर क्यों लग रहा है? जब आपने गलत काम किया नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किया, तो गलत आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर इसीलिए लग रहा है कि आपने जनता के पैसे पर डाका डालने का काम किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है। जिस गरीब के पास योजना पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची,